गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, शताब्दियों की परतंत्रता के उपरांत भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र होने पर देश के कर्णधारों ने भारत के नवीन संविधान को लागू किया। तभी से भारत का सर्वोच्च शासक राष्ट्रपति कहलाया। भारत का नवीन संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और यह दिन भारत का गणतंत्र दिवस कहलाया। भारत इस संविधान के अनुसार गणराज्य घोषित किया गया और तभी से 26 जनवरी का दिन प्रति वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में सारे भारत में बड़ी धूमधाम से मनाया जाने लगा। 26 जनवरी की तिथि का स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अपना विशेष महत्व है। सन 1930 में रावी नदी के तट पर कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की। 26 जनवरी 1930 को उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक हम पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त न कर लेंगे तब तक हमारा स्वतंत्रता आंदोलन चलता रहेगा और इसे प्राप्त करने के लिए हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। इसी कारण 26 जनवरी का दिन ही भारत के गणतंत्र की घोषणा के लिए चुना गया। 26 जनवरी 1950 को भारत पूर्ण रूपेण गणतंत्र राज्य घोषित कर दिया गया। इसी दिन हम पूर्ण रूप से स्वाधीन हो गए। उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्र के प्रथम राष्ट्रपति बने। आज भी यह पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भारत की राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रपति की राजकीय सवारी निकाली जाती है। विजय चौक पर राष्ट्रपति जल थल एवं वायु सेना की सलामी लेते हैं। तीनों सेनाओं की टुकड़ियां मार्च करती हुई लाल किले तक पहुंचती है। अनेक प्रांतों से आए लोक नर्तक अपनी अपनी वेशभूषा में अपने अपने लोक नृत्य प्रदर्शन तथा विभिन्न प्रकार की झांकियों से अपनी प्राचीन संस्कृति व प्रगति का परिचय देते हैं। 26 जनवरी की सायं को आतिशबाजी छोड़ी जाती है तथा रात्रि के समय सरकारी भवनों पर रोशनी की जाती है। देश के सभी गांवों, नगरों, स्कूलों व कॉलेजों में सभाएं की जाती हैं। इन सभाओं में देश की एकता, अखंडता व स्वतंत्रता को बनाए रखने की प्रतिज्ञा की जाती है। इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को देश में अपना संविधान, अपना राष्ट्रपति, अपनी सरकार तथा अपना राष्ट्रीय ध्वज हो जाने पर भारत व संसार का सबसे बड़ा गणतंत्र राज्य बन गया। तो इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।